भारतीय योग संस्थान के प्रधान देशराज गुप्ता सोमवार को इंदौर में थे। इस दौरान देशराज गुप्ता स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे, जहां स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने उनका स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान देशराज गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में कहा कि योग एकमात्र ऐसा रास्ता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर स्वस्थ रखता है। देशराज गुप्ता ने कहा कि दिन भर में महज आधे से एक घंटे का समय योग के लिए निकालकर कई व्याधियों से बचा जा सकता है। वहीं देश भर में साइलेंट अटैक के आतंक पर देशराज गुप्ता ने कहा कि दिल से जुड़ी बीमारियों से भी योग से ही बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि हृदय में कोई दिक्कत हो तो उसका इलाज जारी रखने के साथ ही योग भी किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में या सर्कमस्टांसिस में आप देखें तो योग के अलावा मैं किसी दूसरे मार्ग को इतना कारगर नहीं मानता, क्योंकि योग अपने आप में पूर्ण स्वास्थ्य देता है। पहले नंबर पर जब आप योग करते हैं तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, दूसरे नंबर पर जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, तीसरे नंबर पर जब आप नियमित रूप से साधना करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक बनती है, आप दूसरों के लिए भी जीना सीख जाते हैं, समाज में दूसरों के लिए जो जीना सीख जाता है वो सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है कि आपने पूरे समाज को भी स्वस्थ बनाया। तीसरा, आपके संस्कार, जब आप सेवा करते हैं दूसरों के लिए भी जीते हैं, मन ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गया, तो आपके भीतर के संस्कार कटने लगते हैं, आपके आपका चित्त शुद्ध होने लगता है, आपका चित्त निर्मल होने लगता है, आपका अंतःकरण शुद्ध होने पर आप उस ईश्वर से, अपने स्वरूप से साक्षात होने की क्षमता में आ जाते हैं, जिससे कहते हैं कि आपका आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिलता है। और जिस व्यक्ति के पास ये चार स्वास्थ्य होंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, उसे पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय योग संस्थान के देश भर में 4000 से अधिक केंद्र हैं जहां निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाता है।